हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सुप्रीम क्रिप्टो सिग्नल्स सो सोज आज क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग सम इवेंट्स चल रहे हैं जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस मंथ में तो एक दो इवेंट होने वाले हैं ओके okay? तो ये मंथ थोड़ा सा क्रुशियल uh, रहने वाला है अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए तो वो हमको थोड़ा सा uh, सोच समझ के ही मार्केट में एंट्री लेनी है ओके okay? बिटकॉइन uh, की बात की जाए गाइस तो हम देख सकते हो अभी यहाँ पे कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में ही अभी तक ट्रेड कर रहा है कल मुझे लग रहा था कि शायद ये ब्रेक करेगा क्या क्या, क्या। बट इसने कल अब ब्रेक नहीं किया और ये अच्छी बात है हमारे लिए अगर इस ट्रायंगल को इसने ब्रेक किया तो हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा भूचाल आ सकता है और बिटकॉइन डंप हो सकता है ओके तो अच्छी बात है कि ये अभी इसमें ट्रेड कर रहा है होप सो ये ट्रेड करते करते इस ट्राएंगल को ब्रेक कर दे ओके नॉट डाउन साइड अप साइड को ब्रेक ब्रेक कर दे ओके So, guys, कल मैंने मेरे ग्रुप के ऊपर पोल रखा था तो पोल पे लोगों ने बोला था कि उनको डॉट कॉइन के रिगार्डिंग एनालिसिस चाहिए ओके okay? तो हम डॉट कॉइन के रिगार्डिंग एनालिसिस देखेंगे आज कल मैंने के के बारे में बताया था गाइज और कल के हमारे बाय जोन से लेकर ये अच्छा पंप हुआ था ओके okay? लगभग पाँच छः छह परसेंट के ऊपर हमको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था बट गाइज हमको इसको होल्ड करना है अभी क्योंकि ये ईयर कॉइल जो हमने बाय किया था देखो अभी मार्केट गिरना शुरू हो गया है ओके देखते देखते मैं देख पा रहा हूँ तो कल लगभग यहाँ तक गया था गाइज तो ये हमने वहां पे अच्छा थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया था तो देखते हैं मार्केट सच में गिरने गिरना शुरू हो गया है क्या या फिर उतना कॉइन ही गिरना ओके तो के एन सी ही सिर्फ ड्रॉप हो रहा है कोई बात नहीं वो भी इतने छोटे छोटे ड्रॉप तो होते ही रहते हैं मार्केट में ओके तो अगर डॉट की बात की जाए गाइस तो हम देख सकते हैं कि ये अगर लॉन्ग अगर बड़े चार्ट पे देखा जाए गाइस इसमें इसमें तो ये ऑल टाइम हाई से लगभग एट टू नाइनटी परसेंट डाउन हो गया ओके इसका ऑल टाइम हाई लगभग पचपन डॉलर था ओके और अभी ये ट्रेड हो रहा है लगभग छह डॉलर से साढ़े डॉलर के पास में आप देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ तक गया था ओके लगभग पचपन डॉलर के पास गया था और ये गाइज अच्छा खासा एक कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए मिड टर्म के लिए ओके तो मुझे लगता है कि इस क्वाल को आपने होल्ड करना चाहिए फंडामेंटली भी स्ट्रांग प्रोजेक्ट है मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया है बहुत सारे वीडियो भी क्रिएट किए हैं ओके तो आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर अगर आपको वीडियो देखने हैं डॉट के रिगार्डिंग ओके तो शॉर्ट टर्म के लिए, okay? तो लिए गाइज अब देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इसका अभी मेजर सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए हम सिक्स आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ओके okay? तो यहाँ पे गाइज इसने एक बार आया पंप हो गया अच्छा खासा फिर से इसने यहाँ पे टेस्ट किया फिर से पंप हो गया फिर से यहाँ यहाँ पे आया कुछ दिन तक इसने यहाँ पे खेला ओके उसके बाद में थोड़ा सा पंप हो गया उसके बाद में फिर से यहाँ पे हमको एक फेक आउट देखने को मिला हमको लगा यहाँ से शायद ये ड्रॉप हो जाएगा बट ये फेक आउट था ओके और इसमें इसने अच्छा खासा यहाँ से भी अपसाइड पंप होना शुरू कर दिया जब देख सकते हो यहाँ तक गया लगभग और उसके बाद में ये अच्छा खासा नीचे ड्रॉप हो गया, गया।, गया। अभी ओके अभी भाई कल से दो दिन से यहाँ से इसने फिर से अप ट्रेंड शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि आप अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करना चाहते हैं तो अभी इसको अब पार्ट्स में बाय कर सकते हो थोड़े से ओके ज्यादा कॉइन मत बाय करना थोड़े बाय करना अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए बाय करना है तो आप कर सकते हो ज्यादा ओके बट फिर भी मैं हर बार बताते रहता हूँ कि आपको अगर कोई कॉइन होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए तो आपको उसमें पार्ट्स में बाय करना है हर डिप में थोड़े थोड़े कॉइन बाय करते चलने ओके तो कैसे अगर आप या भी एंट्री लेते हो ओके डॉट में Uh, तो मुझे लगता है कि आपने इसका स्टॉप लॉस लगभग देखो यहाँ पे जहाँ पे हमने फेकआउट देखा था वहां पे हमको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए वो है सिक्स पॉइंट टू सेवन डॉलर पे ओके okay? और अगर आप को अगर इसमें इसको सेल करना है आपने आप एंट्री लेने के बाद तो आपको यहाँ पो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग सेवन डॉलर के पास दूसरा टारगेट रहेगा सेवन पॉइंट फाइव डॉलर के पास ओके और तीसरा टारगेट रहेगा लगभग आपको एट डॉलर के पास में तो इस तरह से का मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ डॉट में इतना ही है बट ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो बट मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आपने ज्यादातर लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है फंडामेंटली भी स्ट्रांग है मैंने ये बहुत बार बोल चुका हूँ ओके हाँ तो डॉट के लिए अभी फिलहाल इतना ही है गाइज अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे मैं आपको फ्री में सिग्नल देते रहता हूँ ओके और आप वहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू सुन